बबने ले का हां दोन दिवस कामावर जातस नाही का रे अबली ती आले कोण तीच का पांड्याची मेवनीस यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत हॅलो परवा लग्नामध्ये चार माणसं आहेत कुठे सरस्वती मंगल कार्यालयामध्ये आदित्य जरा आत ये हा हॅलो मी माझ्या मित्रांना विचारतोय मी आलोच रे हाय काय काय अरे बाबांना बरं नाही त्याच्या तुला कामावर जायचंय त्यांना म्हणा डोसा अजून बरा वाटेल मी ना दादा तूच जा आणि मंजूला बरं नाहीये ते कामावर मला जायचंय अरे थांब जरा हे बघ मॅडमने कपडे दिले काय वापरलेले कपडे ते आणि मग काय नवीन देते का तुझ्यासाठी हसा हसा लोकांनी टाकलेल्या कचऱ्यावर घर चालते आपलं तुम्हाला काय करायचं करा अरे तो आहे त्याला काढा आणि
चाची ने अभी तक झाड़ू नहीं लगाया ना, ले ली गई और डाल दी कचरे में। ओके कचरे वाली काका आप भी ना। देख इस इंटरव्यू में अगर जॉब नहीं मिला ना सीधा दुकान भेज दूंगा। तो घर से निकलते ही पता चला था मुझे कि नौकरी नहीं मिलेगा। मतलब क्या कहना क्या चाहते है तू, क्या हुआ क्या? आई आई अरे वो कचरा वाले के सिलसिले में आपसे बात करनी थी, अभी तो सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। चलो वॉचमैन से पूछते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है क्या। चल वॉचमैन जी से मिल। हाँ और तू नौकरी के बारे में जरा सोच, मैं जाता रहता हूँ। किसी को कुछ पड़ी नहीं, सब जगह कचरा है, सिर्फ टाउन मार्ग में आते हैं सेक्रेटरी कुछ काम नहीं करते। यार एक संडे मिलता है अच्छा सोने को, कचरा वाले लोग क्या है कुछ दिन में आ जाएंगे। अरे आप सेक्रेटरी हो क्या, ऐसी बात कर रहे हो तो और लोग क्या कहेंगे। तो आप ही बताइए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी क्या करूँ मैं। तो पटेल अंकल अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आपके घर पे आ रहा था। बोलो क्या हो गया, क्या हुआ? अपने सोसाइटी का नाम रेडियो पे आया है। सोसाइटी का नाम रेडियो पे? ये देखो ये सुनो। नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो तड़का। अभी सुबह सुबह एक परेशान मोहतरमा का फ़ोन आया है, वह कह रही थी कि उनके सोसाइटी में बहुत दिन से कचरा उठाया नहीं जा रहा है क्योंकि उस कचरे वाले को एक महान व्यक्ति ने बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया। उस व्यक्ति ने उस कचरे वाले को बहुत कुछ कहा। आई कैंट बिलीव दिस इज़ हैपनिंग इन अ सिटी। यह सिटी जहाँ काम से मतलब रखने वाले लोग इस जगह में भी आज भी शकुन अपशकुन मानने वाले लोग हैं, ये अब समझ में आया। ये मुझे लगता है इसी किस्से की वजह से वो कचरा वाला नहीं आ रहा है। किस्सा कौन सा किस्सा? उस दिन क्या हुआ, वो कचरे वाली का लड़का कचरा उठाने आया था और इनका भतीजा, इनके दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई? क्या लड़ाई? क्या हुआ, इनका भतीजा और मैं सोसाइटी से बाहर जा रहे थे और आज सोनूला लॉरीवर लावलं होतं। पहिल्याच दिवशी डोकं दुखायला लागलं, तो नाही टिकणार तिथं। का डोकं दुखतं विचारणार? पहिल्या दिवशी गेला कायमचा बंद झाला, काय तर त्याच्या हाताला चिकट चिकट काही लागलं होतं, त्याने डायपरला हात लावला होता। यार या लोकांना शिकवलं पाहिजे कचरा कसा टाकायचा। अगं गुलो तर आवते ना। अरे तो नवीन आहे ना, त्याला नाही जमत ते। माझं डोकं दुखा लागलंय, हे काम बेकार आहे। तू आहेस ना? हो सॉरी बंदा है क्या? सॉरी भाई साहब। क्या सॉरी? पूरा दिन खराब कर दिया मेरा, इंटरव्यू के जा रहा था मैं। अब क्या खाक सिलेक्ट होऊंगा मैं इंटरव्यू में? मैं यहाँ से आ रहा था। क्या बोलेगा अब, कचरे की खुशबू लेके घूमू मैं यहाँ पे? ए जाओ देना है सर। अरे आप ही बताओ, मैंने जानबूझ के किया था दोस्त, कुछ काम तो खराब हुआ ना मेरा, जॉब तो गया मेरे हाथ से, पूरा दिन बर्बाद हुआ, धंधा कहीं का। देखो भाई साहब। क्या देखो? मैं देख के चल रहा था, तुम लोग काम छोड़ के यहाँ पर बातें करते बैठे हो, लोगों का दिन खराब करते हो। चले कि हुआ है ना, क्या सुबह खराब हो जाती है, तो कह रहा हूँ ना मैं। तेरा ये कचरे का गंदा काम, उसी वजह से मेरा दिन खराब हुआ, और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, औकात में रहे साले, समझे? ऑल द बेस्ट। अच्छी चल आदित्य। ए रुक रुक, बैग रख, बैग रख उधर, मैं ले लूँगा। काम कचरे का गंदा हो, रुबाब ना हो आपके, साफ करिए सब, काम कर अपना। अबे काम तो करते जा, काम आज से काम बंद। अभी आप ही बताओ क्या करना है आगे। शांत तो जाइए, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। चल देखते इन्हीं के पास चलते, देखते उसका कहना क्या है। इस मामले में वो ज्यादा समझदारी का दिखा। फोन लगाता हूँ मैं। चलो बेटे साहब निकलता हूँ। वॉचमैन कह रहा था कि कोई भी कचरा वाला आने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। उसने सब लड़कों से पूछा, कोई तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से है ना ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं लोग। अच्छा एक काम करते, उस कचरा वाले लड़के के यहाँ जाके देखते हैं, और कोई चारा ही नहीं है यार। हाँ चलो जाते, कुछ दिन रुकते हैं,
अपने आप आ जाएंगे, उनकी तो रोजी रोटी है ना। आपके घर चल सकते हैं, अभी हम लोग और नहीं ले सकते। अच्छा साहिल, कौन है वो लड़का हाँ जिसने उस कचरे वाले के साथ बदतमीजी की? देखो उस लड़के की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, लड़के की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, उसके साथ बात करनी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है, बड़ा बदतमीज लड़का है। अरे हम खुद परेशान हो गए, नौकरी ढूंढने क्या इधर आया, बहाना बनाए बैठा हुआ अभी। अरे यार लेकिन सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, हाँ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। चलो पहले उस कचरे वाले लड़के के यहाँ जाके देखते। आप दोनों इधर ही रुको, गाड़ी लेके आओ। ओके। अरे मुझे एक चोरी का काम याद आया, ऐसा कीजिए अब चलिए। यहाँ पटे। अरे काम करो ना, अब चलिए ना, अब जाइए जाइए। अरे अरे नहीं सच्ची, मैं मेरा काम निपट के ना आपको ज्वाइन होता है। चलिए। अरे नहीं यार मैं आता हूँ, देखा कैसा प्रेसिडेंट है। जो भी नौकरी मिलेगी ना वो उसे करनी है तुझे। अरे आदित्य थांब दोन मिनिट। अरे मोठी न्यूज आली आहे तुम्हा लोकांची, FM रेडिओवर पण लोक बोलतायत तुमच्या बद्दल। अरे सोसायटीवाल्यांनी तुझं आता ऐकावं लागेल आणि आपले लोकही तुझं ऐकतायत। मोठी मदत होईल तुझी आमच्या कामाला, तू आमच्या संस्थेचं काम केलं पाहिजेस। मला या कामात पडायचं नाही, खूप राग येतो मला त्या कामाचा। असं बघ, एकदा विचार करून बघ। ते बघा बिल्डिंग वाले आलेत, त्यांचा चेहरा बघा कसा आलाय, कुठे मी फसलो असं असं झालं असेल त्यांना। ठीक आहे अरे मी बोलतो त्यांच्याशी, बघतो काय म्हणतात। आम्ही ते हला शोधायला नाही, हम लोग ऍक्च्युली कचरे के प्रोसेस के बारे में जानकारी के लिए आए। ओ ठीक आहे। माझं नाव महेश, मी कल्याण वेस्ट पिकर असोसिएशन या संघटनेचं काम करतो, मी तुम्हाला सगळी माहिती देतो या। आता कसं आहे, आपल्या घरामध्ये हॉटेलमध्ये दुकानात इंडस्ट्रीत सगळा कचरा जमा होतो ना, तो इकडे आणून डंप केला जातो। ओके। आपल्या मुंबईत अशी 5 डंपिंग ग्राउंड आहे, ॲक्च्युअल मुंबईत 3, ठाण्यात 1 आणि कल्याणात 1। एकट्या मुंबईतच दररोज 11,000 मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो। काय हो, एका घरातूनच 1.5 किलो कचरा तयार होतो। अशी लाखो घरं दुकानं इंडस्ट्री हॉटेल अशा सगळ्यांमधून आपल्या शहराचा कचरा तयार होतो। ओके। हा म्हणजे हा जो कचरा बघताय ना, हा आपल्या कचरा कुंड्यांमधून आणूनच इकडे आणून टाकलेला। फिर वो लोग उधर क्या कर रहे? ते कचरा सॉर्ट करतात। कचरा येतो ना तेव्हाच तो वेगळा करणं सोपं असतं, नंतर ढीग जमल्यानंतर सॉर्टिंग करणं कठीण जातं। अर्थात तसंही करतात काही लोक। हा जो कचरा असतो त्यातला प्लॅस्टिक काच लेदर असा न गुजणारा भाग वेगळा केला जातो, त्याचे असे गठ्ठे केले जातात। ते जे लोक आहेत त्यांना वजनाप्रमाणे या गठ्ठ्याचे पैसे मिळतात। पुढे गठ्ठे भिवंडी कुर्ला उल्हासनगर अशा ठिकाणी जातात आणि कचरा रिसायकलून परत वापरात येतो। पण हा कचरा डिग्रेडेबल असेल, डोंगर कसे तयार झाले? हा कारण कचरा पूर्ण वेगळा होतच नाही ना, कचरा पूर्ण वेगळा करणं शक्यच नाही आहे। एका घरात नेणाऱ्या कचऱ्यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स लेफ्ट ओव्हर अशा सगळ्या गोष्टी मिक्स केलेल्या असतात। इलेक्ट्रॉनिक आयटम तर खूप रिस्की असतात, त्यामुळे रिसायकल करण्याचा कचरा सुद्धा पूर्ण वेगळा होत नाही। त्याला सॉर्ट करण्याची प्रोसेस करण्याची कॉस्ट खूप जास्त आहे, परत ही जी अवस्था बघता ना ही एकदम अनहायजेनिक आहे, त्यामुळे कोणी काम करायला मिळत नाही। यात पैसा टाकायला प्रायव्हेट कुठे येत नाही, छोट्या छोट्या स्किल्सच काय ते होतं। फिर
होता क्या है इस बचे हुए कचरे का? हाँ आता काही कचरा म्हणजे हातला जो सडणार आहे तो आपापल्या स्पीडने सडून जातो, बाकीचा असाच उरून त्याचे डोंगर बनतात. उन्हाळ्यात या कचऱ्यात रिॲक्शन होऊन मिथेन वायू बनतो, त्याने आग लागते, त्या आगीत काही कचरा जळून जातो. पण जळण्याची ही प्रक्रिया जाम घातक आहे. फिर तकलीफ तो होगी आजूबाजू के लोगों को? होय ना, वासाने खूप त्रास होतो, पसरणाऱ्या धुरानेही त्रास होतो. इथे आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांमध्ये श्वसन रोगांचं प्रमाण खूप जास्त आहे. पण जास्त त्रास होतो तो या कचऱ्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांनाच, कारण ते कचऱ्यातही काम करतात आणि अनेकदा डम्पिंग ग्राउंडच्याच आसपास राहतात. त्यांना श्वसन रोगांना तोंड द्यावं लागतंच, पण त्याशिवाय कचऱ्यात काम करताना त्यात अनेक गोष्टी एकत्र असल्यामुळे होणाऱ्या छोट्या जखमा, त्वचारोग या गोष्टींनाही त्यांना तोंड द्यावं लागतं. इस डम्पिंग ग्राउंड को कोई अल्टरनेटिव्ह नाही आहे? अल्टरनेटिव्ह आहे ना, पण तो महानगरपालिका सरकार असं काही काढू शकत नाही. कचरा जिथे बनतो त्या सोर्सलाच तो वेगळा झाला पाहिजे, म्हणजे आपल्या घरामध्ये हॉटेलात कचरा वेगळा करता आला पाहिजे. आणि असा आपण न कुजणारा कचरा जर रिसायकल करणाऱ्यांना देऊ शकलो तर मग त्याचं काम करणं सोपं होईल. आता आपल्याच भागात 51 सोसायटी तयार झाल्या आहेत, त्या त्यांच्या इथेच कचरा प्रोसेस करून न कुजणारा कचरा त्या कचरा विकणाऱ्या बायकांना देतात, त्यामुळे त्यांची कामाची एक स्टेप वाचते. आणि जो कुजणारा कचरा उरतो ना त्यांच्याकडे, तो एका पीठमध्ये टाकून त्याचं कंपोस्ट खत तयार केलं जातं. ते गार्डन, लॉन ह्यांना लागत राहतं. आम्ही बघतो आहोत हे काम कसं वाढवता येईल, ह्यात अनेक अनेक लोक कसे सहभागी करता येतील. सोचने वाली बात है. ओके, थँक्स अ लॉट. थँक्यू. अजून एक गोष्ट, इथे जे लोक राहतात ते काय फक्त कचरा वेगळा करायचंच काम करतात, सोसायटीत नाही आहेत कोण? जातात ना थोडे जण, पण तुम्ही ज्याला शोधताय ना तो इथेच राहतो. फार चुकीचं वागलात त्या मुलाबरोबर तुम्ही. नाही, हम शर्मिंदा तो है, लेकिन एक आदमी की गलती की सजा आप बाकी लोगों को क्यों दे रहे हैं? खैर, वो लड़का तो आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, उसने सब कुछ मुझ पे छोड़ा है. देखते हैं कुछ हल ढूंढ लेंगे. वो कभी भी आने वाला नहीं है, 100% नहीं आने वाला वो. उसका हर बार का लोचा है. अरे थैंक यू, हम लोगों ने उसको प्रेसिडेंट बनाया है, ये बात तो सही है, मगर एक बात मैं आपको बोलता हूँ, उसको वापस कभी प्रेसिडेंट बनाने का नहीं. भाभी जी, मैं आपको बोलता हूँ, वो अपना पटेल है ना, पटेल आज हम लोग जाने वाले थे, बोला था आऊंगा करके. आज अभी तिकड़े गेलो, तिकड़े तो कचरा वाला था. वाह, जागा आहे ती, कसे काय राहतात ते लोक, घाणी वासा. आणि आपण कचरा म्हणून फेकतो, तिकडे इंडस्ट्रीज आहे कंप्लीट, आणि मोस्टली तिकडे बायका काम करेक्ट, आणि बायका तिकडे कचरा वेगळं करायचं काम करतात, रबर, प्लॅस्टिक, मेटल. दोज वुमेन आर वर्किंग इन हॉरिबल हॉरिबल कंडिशन्स, अँड टॉप ऑफ दॅट मॅडम, दे डोंट इवन यूज सेफ्टी इक्विपमेंट्स. It is so harmful to them. इतना accident होता है वहाँ पे, but they are kind of entrepreneurs. क्योंकि वहाँ पे जो कचरा recycling होता है, वो उनके ही through होता है. पण त्यांना साधी dignity पण नाही. हाँ, पण आपण त्याच्यासाठी एक काम करतो. आपण कचरा वेगवेगळा करायचं काम करतो. ओला कचरा आणि सुका कचरा. हाँ, और वो जो गीला कचरा रहता है ना, वो जाता है खाद बनाने के लिए. हम लोग करेंगे. म्हणजे आता आपण आपल्या घरातला कचरा वेगवेगळा करायचा, म्हणजे सुका वेगळा, ओला वेगळा, रिसायकलिंगचा वेगळा, असं. करेक्ट, नियर यू आर भाभी जी, करेक्ट. तर करेन मी तुला मदत. अरे तसं नाही, ते साऊंड नाही, पण आत्ताच्या प्रॉब्लेमचं काय, म्हणजे ती लोक उद्या येणार आहेत नाही येणार त्याचं काय? हा, आएंगे आएंगे. आई विल डू वन थिंग, आई विल कॉल अप महेश. महेश कौन? महेश वहाँ पे एनजीओ के साथ काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है. अच्छा. उसका उस लड़के के साथ भी अच्छा कॉन्टेक्ट है, मैं अभी कॉल करता हूँ उसे. महेश, महेश, महेश. हेलो. हाँ, अरे उन्हीं बात कर रहा हूँ, उन्नी उन्नी. अरे यार, वो इंद्रप्रस्थ सोसाइटी से आज सुबह आए थे ना आपके यहाँ. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा, वो बात हुआ उस लड़के के साथ? आदित्य नाम है उसका. हाँ, वही आदित्य, आदित्य उसे उसके साथ बात हुआ?
अब बात तो हो गया है। हाँ। उसकी माँ आ जाएगी कल से। ओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। हाँ। अच्छा आपने सोचा कुछ हमारे प्रपोजल के बारे में? हाँ, वही बात कर रहे हैं हम लोग। एक प्रोग्राम रखा है हमने स्वच्छता अभियान करके, अभी आ जाएगा कल, फिर मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा, क्या क्या प्रोग्राम है? एक्चुअली क्या है, वो जो कचरा इधर उधर पड़ा रहता है ना, हम लोग उसको इकट्ठा करके फिर सॉर्ट आउट करेंगे, और एक प्रवीण जी आ रहे हैं, उनका भाषण रहेगा और फिनिश। अच्छा, प्रवीण जी आ रहे हैं? यस, जरूर आएंगे। हाँ, आ जाना आ जाना। हाँ, मिलते हैं। ओके ओके देन, बाय बाय, सी यू टुमारो। उसकी माँ आ रही है। चलो अच्छा हुआ, चलो देन, मिलते हैं। ओके सर। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय। सगे या इकड़े। हमारे एरिया के सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रवीण जी हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। सर, इंद्रप्रस्थ सोसायटी देल सर्व बंधु भगिनी आणि माता, आपल्याकडे जी साफसफाई करणारी येणारी जी माणसं असतात, तर ते कचरा उचलतच असतात, आपला परिसर स्वच्छ करण्यासाठी प्रयत्न हे करतच असतात, पण आपण त्यांना आपल्या वागण्याने मदत केली पाहिजे। ते आपल्या स्वच्छतेचं काम करतात म्हणून आपला परिसर हा स्वच्छ राहत असतो। जर आपण आपल्या घरातला कचरा, हा जर सुका कचरा आणि ओला कचरा असा वेगवेगळा केला केला, तर त्यांनाही तो कचरा उचलण्यासाठी खेळच वाटणार नाही आणि आपल्याला सुद्धा त्याचा त्रास होणार नाही। भारतामध्ये स्वच्छतेचं महत्त्व हे महात्मा गांधी, सेनापती बापट, गाडगे महाराज आणि आत्ता जे आपले नूतन पंतप्रधान आहेत, त्यांनी जर हा स्वच्छता अभियान संपूर्ण देशभर चालवण्याचा पणच केलेला आहे। तुम्ही सगळे इतके बाता करता, नक्की खरोखर होणार आहे का? आणि गाडगे बाबा